कल मैं गोविंदपुरी गया था, कालकाजी में, कई घरों में गया, लगभग हर दूसरे तीसरे घर में पानी का अनाप शनाप बिल आया हुआ है। छोटे छोटे घर थे, 50-50 गज के, किसी का 2 लाख रुपए का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल, किसी का 30,000 रुपए का बिल, किसी का 50,000 रुपए का बिल। वो सामने दिखा रहे हैं, बिल दिखा रहे हैं, कई लोग लेके आए हैं, वो देखो कितने सारे लोग बिल दिखा रहे हैं। एक गरीब आदमी अगर 40-40 हजार, 1-1 लाख रुपए के बिल आएंगे तो क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा और क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो जाहिर तौर पे ये सारे बिल गलत हैं। और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कोरोना के टाइम में। बंद पड़े मकान का कितना है बहन जी? 3.25 लाख रुपए बंद पड़े मकान का बिल है। ये शुरू हुआ सिलसिला कोरोना के टाइम पे। कोरोना में, चूंकि कोरोना चल रहा था, कई दिनों तक मीटर, कई महीनों तक मीटर रीडर मीटिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के कुछ भी रीडिंग भर दी, उसके बाद गलत बिल बन गया, उसमें फिर इंटरेस्ट लगने लग गया, फिर एलपीएससी लगने लग गई, और अब लोगों का 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल बन गया। लगभग दिल्ली में 10.5-11 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके गलत बिल आए हुए हैं, 4,20,000 का। तो 21 लाख का बिल है, 21 लाख का। तो दोस्तों एक मिनट, ठीक, लगभग 11 लाख परिवारों के पानी के बिल गलत आए हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार तो आपकी सरकार है, दिल्ली वालों की सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सरकार है। अगर उन लोगों की सरकार होती, बीजेपी वालों की सरकार होती अभी, तो ये धक्का मार के सब लोगों के पानी के कनेक्शन काट देते। लेकिन जब तक आपका बेटा जिंदा मजाल, अगर किसी का पानी का कनेक्शन कट जाए तो।